दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइजीनीर व्लॉग्स। और आज है प्रदोष व्रत की पूजा। सो मैंने गणपति जी भी रखे हुए हैं तो उनकी भी पूजा आरती सुबह करती हूँ। सो साथ ही साथ उनकी भी पूजा आरती कर रही हूँ और शंकर भगवान की भी पूजा आरती कर रही हूँ। सो आज है मंडे और प्रदोष का व्रत है। सो मैं आज अपनी पूजा आरती कंप्लीट कर रही हूँ। स्वामी हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। तो देखा आप अपनी, मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। जैसा कि प्रदोष का व्रत था और गणेश जी रखे हुए हैं, उनकी पूजा हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ आज खाने। मैंने मखाने फ्राई करे हैं और कुछ पीनट्स हैं। सो ये मैं जा रही हूँ खाने और मेरी चाय भी बन गई है। तो मैं जा रही हूँ खाने और कल है गणेश विसर्जन। सो बहुत कुछ सोच के रखा है कि गणेश विसर्जन में कुछ क्या करना है, क्या बनाना है। सो जैसा जैसा प्रोसेस होता जाएगा, जैसा जैसा मैं बनाती जाऊँगी, सो वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। क्या कर रहे हो बेटा, इधर आओ, इधर आओ ऋषि, इधर आओ। इसने भी नहा लिया है और अब वो खा भी लिया है और अब वो खेल। इधर आओ, इधर आओ। हेलो बोलो सबसे, हेलो बोलो। चिपकू चिपकू बना हुआ, इसके खूब सारा ऑयल लगा दिया, चिपकू चिपकू बन गए हैं। तो मैं जा रही हूँ चाय पीने और थोड़ा सा नाश्ता करने और फिर मैं उसे बाद में आप लोगों से बात करूँगी। गुड मॉर्निंग, आज है ट्यूसडे, यानी कि मैंने कल आपको जैसे पहले दिखाई वो कल की पूजा थी थोड़ी सी। सो कल मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई, आज मैं कर रही हूँ। आज है गणेश विसर्जन, गणपति जी का विसर्जन करूँगी। सो मैं अगेन कल की व्लॉगिंग आज कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज मैं क्या करूँगी, मेरी पूजा वगैरह हो गई, गणेश जी की पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है और अब मैं जा रही हूँ उनके लिए कुछ भोग तो मैंने बनाया है, लेकिन आज थोड़ा बहुत स्पेशल खाना बनाऊँगी। जैसे कि दही बड़े हैं, छोला है और चावल पूरी और सफ़ेद वाले जो छेने वाले रसगुल्ले हैं वो मैंने बना दिया था और साबुदाने की खीर मैंने बना दी है अभी। तो ये दो चीज़ें बन चुकी हैं, देन अभी छोला बनाऊँगी और दही बड़े बनाऊँगी और विसर्जन मैं करूँगी आई थिंक 4 या 5 बजे, क्योंकि मूड 4-5 बजे का है। वैसे 2-3 मूड हैं तो दिन का भी है, दिन मैं नहीं करूँगी, मैं शाम को ही करूँगी 4-5 बजे। सो पीछे मैं पूरी दिख रही हूँ आपको। तो वही मैं 5 बजे विसर्जन करूँगी, उससे पहले मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। सो बिना लहसुन प्याज का मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि गणेश जी को चढ़ाऊंगी तो लहसुन प्याज मुझे नहीं लगता कि ठीक लगेगा पूजा में, स्पेशली भोग वगैरह बनाने में लहसुन प्याज। बस वही मैं खाना बनाऊंगी। और मैंने वैसे भी बताया पूजा वगैरह करी, नहा लिया है, अब मैं लगाने जा रही हूँ आज पैक सर में, बालों में एक पैक लगाऊंगी, क्योंकि नहाते टाइम मैंने इससे नहीं लगाया ना कि बहुत नहाने में बहुत लेट हो जाता है, एटलीस्ट 1 घंटा तो पैक रखना पड़ता है और बहुत लेट हो जाता है। सो मैंने नहा लिया है, पूजा कर लिया, ऋषि ने नहा लिया है, खिला दिया है और अब बज रहा है 10:30। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ पैक और उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी। सो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी किचन में, बाय बाय। बहुत ही अच्छा वाला हेयर मास्क है, बनाना वाला है और इसकी इसको मैंने शेयर किया था शायद, मैंने इसको अभी शेयर नहीं किया है।
लेकिन मैं इसकी इसको शूट करना भूल गई। सो मैं नेक्स्ट जब भी बनाऊंगी तो इसको ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही बढ़िया वाला मास्क है, बहुत ही बाल आपके सिल्की स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। सो इसको डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब भी नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी। सो मेरा हेयर मास्क बन गया यार, मैं बहुत कुछ ज़्यादा ही सो बोलती हूँ। तो मेरा हेयर मास्क हो गया है और जो खाना था वो शाम को बनेगा, यानी कि अभी दिन में नहीं बनेगा, शाम को बनेगा। तो बस मैं थोड़ी देर के बाद थोड़ा लेट हो गया है नाश्ता करने में, सो नाश्ता करने जा रही हूँ। उसके बाद ही मैं लंच बन जाएगा, उसके बाद डिनर में जो मैंने बताया था ना दही बड़े छोले वगैरह वो डिनर में बनेंगे। तो नाश्ता कर लूँ, उसके बाद खाना बन जाए, उसके बाद मैं रात के लिए बनाऊँगी। बस यही है। और विसर्जन करूँगी गणेश जी का, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और अभी मैंने वीडियो शेयर किया था हाउ टू बी ए सारी और कुछ योगा वगैरह शूट करके मैंने डाले हुए हैं। सो आप लोग देखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आप अपना पेट अपने थाई वगैरह कम करना चाहते हो, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी मैंने कुछ एक्सरसाइज डाली है जो मैं भी करती थी। सो इसलिए मैंने उसको आपके साथ शेयर किया, आप ज़रूर उसको जा कर के देखिएगा ज़रूर। बस और लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद में, तब तक के लिए बाय। तो अब मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही थी और मेरे दही बड़े बन गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी क्लिप्स जो वो डिलीट हो चुकी है। सो मैं दही बड़े की रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखा पाई और बहुत ही बढ़िया वाले दही बड़े बने थे। और अभी मैं छोले बना रही हूँ। सो बिना लहसुन प्याज के मैं बनाऊँगी, क्योंकि प्रसाद के लिए बना रही थी, बिना लहसुन प्याज के मैं छोले बना रही हूँ। और बस ढोकले भी बनाए, बट मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा हाथ बहुत तेज़ से जल गया है, मेरा थंब में बहुत तेज़ से जल गया है और मैं शूट नहीं कर पाई। मैंने बस फटाफट सब कुछ बना दिया है और ढोकला बनाया है, बहुत बढ़िया वाला ढोकला बनाया, दही बड़े बने हैं, छोले बने हैं, पूड़ी बनी है और साबूदाने की खीर बनी है। सो प्लेट बहुत अच्छे से बन गई है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने भगवान जी के लिए, गन्नू भगवान के लिए क्या भोग बनाया है, क्या प्रसाद आ गया है। उसके बाद अब हम जा रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे, थाली ये रखी हुई है मेरे आगे और अभी जा रहे हैं आरती करने, उसके बाद उनका विसर्जन करेंगे। सो चलिए चलते हैं अपने मंदिर की तरफ। और ये मेरी प्रसाद की थाली, साबूदाने की खीर है, वो ढोकला है, वो दही बड़े हैं, छोला है और पूड़ी है। छोला बिना लहसुन प्याज का है, सारा जो भी है उसमें कोई लहसुन प्याज ऐड नहीं है। सो आज मैंने भगवान के लिए ये भोग लगाया, प्रसाद लगाया है और अब हम लोग जा रहे हैं आरती की तैयारी करने। सो चलिए आरती की तैयारी करते हैं। Thank you.
सो आरती वगैरह कंप्लीट हो गई थी, अब गणपति जी के विसर्जन की तैयारी हो रही थी। तो उससे पहले गणपति जी को पूरे घर में घुमाते हैं ताकि वो अपना आशीर्वाद पूरे घर में दें। हम खाली मूर्ति का ही विसर्जन करते हैं, बाकी तो ये हमारे घर पे रहे, हमारा आशीर्वाद है। मेरे सारे जितने भी प्रियजन हैं सबको सुख और समृद्धि से भरते ही मनोकामना करते हुए हम इनका विसर्जन करते हैं। प्रसाद खाने, बहुत टेस्टी बनाए। चलिए गणपति बप्पा मोरिया। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल में। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती हूँ वेट लॉस से रिलेटेड, रेसिपीज़ वेट लॉस एंड योगा एंड फैशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ लेकर के आती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गई भाई, मतलब छोली इतनी ज़्यादा टेस्टी बने ना बिना लहसुन प्याज के बनाया, लेकिन सच में ये किधर किधर जा रहे हो? ला मम्मा खिलाती है, इनको पूड़ी खिला रही हूँ और ये जो है लेके भाग रहे हैं। इधर आओ, छोली सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी, ढोकला बहुत टेस्टी बना, मतलब प्रसाद था इसलिए भी कहो, लेकिन बहुत टेस्टी सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। ढोकले तो फटाफट सबने खा लिए, फिनिश हो गए, और छोला है वो भी हम लोग रात में खाएंगे। तो गणपति बप्पा सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके साथ अच्छा करे भगवान जी। बस इसी मनोकामना के साथ मैं आप सब से बाय करती हूँ, बाय बाय। रुक जाओ बेटा, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सेफ रहिए, बाय।